हिंदू धर्म के व्रत त्योहारों में एकादशी का सबसे प्रमुख स्थान है। प्रत्येक मास में दो एकादशी होती हैं और सभी का कुछ खास महत्व होता है। वरुथनी एकादशी व्रत कथा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली और सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वतः अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ समय पश्चात पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः तुम सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।